Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with the new video, and in the today's video we are going to discuss another topics of the chapter dictionaries from class 11 NCERT book Computer Science with Python. And this is the part 27 video in the continuation of the series of the videos for the PGT Computer Science exam for the various competitive exams. And the today's topic is membership operators, that is in and not in, and how to traverse the elements in a dictionary. So let us understand how to do these operations in dictionaries. So first of all, we have the membership operators, that is in and not in. And these two operators we have learned students in the list, string and tuple also. Basically, membership operator ka kaam hota hai check karna ki that particular element is present in that data type or not. जैसे कि अगर हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एज अ की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अब देखिए डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, की भी होती है और वैल्यू भी होती है. बट इन ऑपरेटर किसके ऊपर चेक करेगा उस एलिमेंट को, इट विल चेक वेदर दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट एज अ की इन द डिक्शनरी और नॉट. अगर वो प्रेजेंट है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. और नॉट इन जो होता है उसका बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिक्ट वन में कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं अलॉन्ग विद उनके मार्क्स हैं. फिर हमने कहा सुहेल इन डिक्ट वन, तो सुहेल जो है दैट इज अ नेम, दैट इज अ की इन द डिक्शनरी. सिंस इट इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी सो द आंसर विल कम एज ट्रू. एंड द नॉट इन ऑपरेटर जस्ट रिटर्न्स द अपोजिट ऑफ दैट वन. इसी में अगर हम सुहेल के साथ नॉट इन ऑपरेटर लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स आएगा. प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम अपनी पिछली वाली जो डिक्शनरी है वोवल्स नाम की उसको लेके चलते हैं. और मान लीजिए इसमें ए ई आई ओ यू हमारी जो है दैट आर माई कीज एंड 1 2 3 4 5 आर माई वैल्यूज. सो इफ आई से ई, ई इज अ स्ट्रिंग वैल्यू इन वोवल्स, वोवल्स इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी, सो इट विल गिव अस द आंसर एज ट्रू. और यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि ई नॉट इन वोवल्स तो उस केस में व्हाट विल बी माई आंसर, इट द आंसर विल बी फॉल्स. ई वोवल्स में प्रेजेंट है, ट्रू है. ई वोवल्स में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज फॉल्स. तो हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, एक है इन और एक है नॉट इन. अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई वैल्यू पास कर दी, जैसे कि मेरे पास वैल्यू है 3. अब इफ आई से 3 इन वोवल्स, ऑल दो वोवल्स नाम की डिक्शनरी में 3 प्रेजेंट तो है बट इट इज प्रेजेंट एज अ वैल्यू एंड नॉट एज अ की. सो अगर हम कहेंगे 3 इन वोवल्स, इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स, ठीक है. And similarly, if I say 3 not in vowels, then the answer will be true. Because जो not in होता है वो in operator का just opposite result आपको देता है. तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि dictionary के केस में जो in और not in operator हैं वो आपके keys को check करते हैं, not the values, ठीक है. उसके बाद next हम पढ़ते हैं traversing a dictionary. अब traversing आपने again list में भी पढ़ा है, string में भी पढ़ा है और tuple में भी पढ़ा है. तो what is the meaning of traversing? Traversing means एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, उस डेटा टाइप के हर एलिमेंट को एक्सेस करना. लिस्ट में, टपल में और स्ट्रिंग में करेक्टर्स होते हैं या कोई इंटीजर या दूसरे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, और डिक्शनरी में हमारे पास होते हैं की वैल्यू पेयर्स. यानी कि हर एक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना, दैट इज नोन एज ट्रेवर्सिंग. एंड हाउ वी डू ट्रेवर्सिंग, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. दो मैथड हैं इसको करने के. सबसे पहले हमने कहा फॉर की इन डिक्ट वन, फॉर इज अ लूप. नाउ यहाँ पे जो की लिखा हुआ है इसके प्लेस पे आप कोई भी कंट्रोल वेरिएबल लिख सकते हैं, आई ए बी सी एक्स वाई जी एनीथिंग. इन डिक्ट वन, इन इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर एंड डिक्ट वन इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी. प्रिंट की, दैट इज दिस कंट्रोल वेरिएबल, एंड डी ऑफ की, दैट इज इट्स वैल्यू, ठीक है. डिक्शनरी में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी का नाम लिख के उसकी की लिखनी पड़ती है, देन ओनली वी गेट द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये वोवल्स नाम की डिक्शनरी है. इफ आई राइट हियर वोवल्स ऑफ ए, देन आई एम गेटिंग माई आंसर एज 1, ठीक है. सो ए इज वॉट, ए इज माई की. एंड इफ आई राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की लिखा तो हमें उसकी वैल्यू मिल रही है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर सपोज आई टेक आई एज माई कंट्रोल वेरिएबल, फॉर आई इन वोवल्स, देन आई से प्रिंट आई, आई मीन्स आई नीड टू प्रिंट माई की. एंड यहाँ से हमने कॉलन का साइन लगा दिया, विच वी नीड टू प्रिंट पुट इट इन द कोट्स. एंड वॉट इज द नेम ऑफ आर डिक्शनरी, दैट इज वोवल्स ऑफ आई, ठीक है. जो भी आप कंट्रोल वेरिएबल फोर लूप में लोगे वो आपको यहाँ पे लेना है और आपको यहाँ लेना है. देन क्लोज द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रेस द एंटर की.
Now you can see here a1, e2, i3, o4 and u5. आ गई हमारे पास कीज और वैल्यूज. सेम वे आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो. मोहन 95, राम 89, इस तरह से करके ये इनके पास टोटल चार की वैल्यू पेयर्स थे दैट हैव बीन शोन लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेवर्स अ डिक्शनरी. दिस इज द फर्स्ट मैथड. नाउ वी कम टू द सेकेंड मैथड. सेकेंड मैथड कहता है कि वहाँ पे हमने फोर लूप में सिर्फ एक कंट्रोल वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हम दो ले लेते हैं, वन फॉर द की, सेकेंड फॉर द वैल्यू, एंड देयर वी विल यूज द आइटम्स फंक्शन. अब इस फोर लूप को समझने से पहले आपको आइटम्स फंक्शन पता होना चाहिए. तो आइटम्स फंक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को रिटर्न करके देता है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ माई डिक्शनरी इज बॉबल्स, आई से डॉट आइटम्स, तो वॉट इट इज गोइंग टू रिटर्न. देखो इसने क्या दिया, लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में. ये जो है a1, e2, i3, o4, u5 ये टपल्स हैं, और ये सारे किस में हैं? एक लिस्ट के अंदर हैं. तो लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में हमें इसने सारे की वैल्यू पेयर्स दी. अब इफ आई यूज अ की फोर लूप हियर फॉर के कोमा वी इन वॉवल्स डॉट आइटम्स, सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? के कोमा वी मतलब k जो है वो इस वैल्यू को लेगा दैट इज a, और v जो है वो इस वैल्यू को लेगा दैट इज 1. सो इस केस में इन्होंने क्या कहा, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्ट 1 डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉलन वैल्यू. तो ये चीज़ हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं यहाँ पे. हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट व्हाट वी हैव टेकन द कंट्रोल वेरिएबल फॉर की दैट इज k, एंड 1 इज दिस वन, एंड देन वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये हमारा ख़त्म हो गया और ये हमारी की वैल्यूज आ चुकी हैं. आप ये देखो कि जो आउटपुट हमारा ऊपर आया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मैथड एंड विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड मैथड, बोथ आर सेम. बस डिफरेंस इतना सा है कि कोडिंग के टाइम पे फोर लूप में हमने यहाँ पे एक कंट्रोल वेरिएबल का यूज किया, एंड वी हैव हेयर वी हैव यूज टू कंट्रोल वेरिएबल्स एंड वी हैव प्रिंटेड लाइक दिस. सो आउटपुट सेम आ रहा है, एंड आइटम्स फंक्शन का आपको मतलब भी पता लग गया. इट रिटर्न्स द की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स. So this is how we can traverse the items in a dictionary, that is the elements in a dictionary using the for loop. So I hope students this is clear to all of you. तो यहाँ से जो output आ रहा है और जो वहाँ output आया both are same. So ये दो topic आज हमने cover किए students in our this video. I hope this is clear to all of you. In case आपको फिर भी कोई doubt है please tell me in the comment section. And if you find this video helpful you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.